तो यूपी के रायबरेली में ये बड़ा ट्रेन हादसा जिस पर लगातार सुबह से एबीपी न्यूज आपको कवरेज दिखा रहा है, मौका वारदात की ये तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर राहत और बचाव का कार्य लगातार जारी है। कई सारी बोगियां कुछ इस तरीके से पलटी हैं कि बोगी कटर का इस्तेमाल करके ये देखने की कोशिश की जा रही है कि कहीं ट्रेन के डिब्बों के अंदर कोई और भी तो नहीं फंसा हुआ है। अभी तक की जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 40 से ज्यादा लोग जो है वो जख्मी हो गए हैं, 41 लोग जख्मी हो गए हैं, 7 लोगों की मौत की पुष्टि भी हो चुकी है, स्थानीय अस्पताल में घायलों का इलाज भी चल रहा है। और ये मौका वारदात की तस्वीरें आप एबीपी न्यूज पर लगातार देख रहे हैं, जहां पर स्थानीय लोग भी मौके पर मौजूद हैं। एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम, एटीएस की टीम को भी लखनऊ से रवाना किया गया है ये देखने के लिए कि कहीं ये साजिश तो नहीं। तो यहां पर आपने देखा किस तरह से हादसे की तस्वीर, अब ग्राउंड जीरो से पंकज सिंह की ये रिपोर्ट देख लीजिए। मालदा टाउन से नई दिल्ली जाने वाली फरक्का एक्सप्रेस रायबरेली के हरचंदपुर रेलवे स्टेशन पर डिरेल हो गई है, जिसमें कि 7 मौतों की खबर है जबकि 25 से 30 लोग घायल हुए हैं। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया जा चुका है। रायबरेली का जो जिला प्रशासन है व रेलवे के जो उच्चाधिकारी हैं, DRM वगैरह यहाँ पर मौजूद हैं। जो 7 मौतें हुई हैं, उस 7 मौतों में 2 अंदर डिब्बों के अंदर दबे हुए थे, जिसमें कि एक को NDRF की टीम ने निकाला है, जबकि एक के निकालने की जो प्रक्रिया है वो अभी चल रही है, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। 5 को पहले ही निकाला जा चुका है। रेल हादसा काफ़ी बड़ा था, जो यहाँ की घटना है, जो सिचुएशन है, देखने से लग रहा है कि काफ़ी बड़ा हादसा था। काफ़ी स्पीड में ट्रेन रही होगी, चूँकि पटरियाँ बाहर जा चुकी हैं, जो डिब्बों के जो पहिए हैं, पहिए टूटकर दूर जा गिर चुके हैं। यहाँ पर इस समय जो हमारे यहाँ पर घटनास्थल पर रायबरेली के जो सांसद हैं सोनिया गांधी, उनके प्रतिनिधि KL शर्मा भी मौजूद हैं, और जो जनप्रतिनिधि यहाँ पर MLC दिनेश प्रताप सिंह, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। हालांकि अन्य सामाजिक संगठन भी रेस्क्यू कार्य में लगा हुआ है। एक बड़ा हादसा कहा जा सकता है रायबरेली में। कैमरामैन रवीन के साथ पंकज सिंह, ABP न्यूज़। तो जहां पर ट्रेन हादसा हुआ है वहां पर ABP न्यूज पहुंच चुका है संवाददाता पंकज सिंह की। आपने ये रिपोर्ट देखी जिन्होंने बताया कि किस तरह से ये ट्रेन हादसा हुआ, 7 लोगों की मौत हो गई और 41 लोग घायल हुए हैं। छोटे से अंतराल के लिए रुकते हैं, लौटते हैं इसी खबर के साथ। एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का त्वरित में स्वागत है। लगातार ABP न्यूज की कवरेज बनी हुई है यूपी में हुए बड़े ट्रेन हादसे पे, जहां हम दिखा रहे हैं आपको लगातार कैसे मालदा से दिल्ली जा रही न्यू फरक्का एक्सप्रेस के 9 डिब्बे पटरी से उतर गए, जिसके बाद ये बड़ा हादसा हुआ। किस तरीके से ड्रोन कैमरे की मदद ली जा रही है आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। 3 तस्वीरें हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पटरी से उतरी हुई ट्रेन की बोगियों को आप देख सकते हैं, 9 बोगियां उतर गई, वहीं राहत बचाव का कार्य चल रहा है। दूसरी तस्वीर में देख रहे हैं, और अब तक 7 लोगों की मौत हो गई, और वहीं तीसरी तस्वीर है जहां पर राहत के काम के लिए ड्रोन कैमरे की मदद ली जा रही है। और इसी पर ताजा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं हमारे लखनऊ ब्यूरो चीफ पंकज झा। पंकज, क्या ताजा जानकारी है इस मसले पर? देखिए, ताजा जानकारी तो ये है कि जो ADG रेलवे हैं संजय सिंघल, उन्होंने बताया है कि जितने भी घायल थे उन सबको घटनास्थल से हटा दिया गया है। 7 लोगों की मौत हुई है और 6 लोगों को तो वहां से हटा दिया गया है। एक जो अभी भी वहां पे बॉडी फंसी हुई है ट्रेन में, उसको निकालने की कोशिशें की जा रही हैं। जो घायल हैं उन सबको अस्पताल, जिनको गंभीर रूप से घायल है उनको लखनऊ में KGMC के ट्रॉमा सेंटर भेज दिया गया है। अब 2 प्राथमिकताएं बची रह गई हैं। एक तो जो रेलवे ट्रेनों की जो आवाजाही है इस रूट पे ठप है, तो अब जबकि राहत और बचाव का काम आखिरी दौर में है, तो जो कोच जो है, जो रेलवे ट्रैक पर बिखरे पड़े हुए हैं, पलट गए हैं, उन सबको वहां से हटा करके ट्रेनों की आवाजाही शुरू की जाए, इसके लिए NDRF, SDRF की टीम वहां पर पहुंची हुई है, दूसरी टेक्निकल टीम भी वहां पहुंची हुई है। तो इन दोनों पर अब काम चल रहा है जी। तो ताजा जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपके साथ बने रहेंगे। आपको बता दें कि ये ताज़ा जानकारी उन्होंने दी है कि इस तरह से जो घायल हैं उनका अस्पताल किया जा रहा, उनके अस्पताल में ले जाया गया है, उनका इलाज कराया जा रहा है। साथ ही आपको बता दें कि ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं पटरी से जो ये ट्रेन उतरी है। साथ ही आपको बता दें कि अब तक 7 लोगों की मौत हुई है और 41 लोग घायल हो चुके हैं। और आपको बता दें कि ड्रोन कैमरे की मदद से इस पूरी जो घटना है उसको देखा जा रहा है। ABP न्यूज़ लगातार सुबह से इस कवरेज पर बने हुए हैं किस तरीके से यूपी के रायबरेली में बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है, जिसमें 9 बोगी जो है, 9 बोगियां वो पलट गई हैं। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर, जहां पर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं किस तरीके से राहत और बचाव का काम लगातार मौका वारदात पर चल रहा है। आपको बता दें कि NDRF SDRF की टीम मौका वारदात पर मौजूद है, साथ ही साथ एंटी टेररिस्ट स्क्वाड यानी कि ATS की भी टीम वहां पर पहुंचने वाली है। आपको बता दें कि
कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने फेसबुक पर पोस्ट लिखा है और इस घटना पर दुख जाहिर किया है। राहुल गांधी ने कहा है कि न्यू फरक्का एक्सप्रेस के पटरी से उतर जाने की वजह से जो हादसा हुआ है उससे मैं काफी चिंतित हूं और दुखी हूं। राहुल गांधी ने ये फेसबुक पोस्ट लिखा है, उन्होंने ये भी लिखा है कि जिन परिवारों ने अपनों को खोया है मेरी शोक संवेदना और प्रार्थना उनके साथ है, आशा है सरकार राहत और बचाव कार्य में अपनी सारी ताकत झोंक देगी और लोगों को स्वास्थ्य की सभी सुविधाएं उनके बिना किसी परेशानी के मुहैया कराएगी। तो ये राहुल गांधी ने फेसबुक पोस्ट लिखा है। आपको बता दें कि रायबरेली में के पास में ये बड़ा हादसा हुआ है, ट्रेन हादसा, जिसमें 7 लोगों की मौत हुई है और 41 लोग घायल हुए हैं। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।